विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान संस्थान ने करवाया स्वैच्छिक रक्तदान। प्रत्येक युवा ले स्वैच्छिक रक्तदान करने का संकल्प, बोले अध्यक्ष रक्तदान संस्थान। आज विश्व रक्तदाता दिवस के इस अवसर पर रक्तदान संस्थान द्वारा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्तकोष में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेरा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें कुल 40 लोगों ने प्रतिभाग किया। जी हां, आपको बता दें कि समस्त रक्तदाताओं को रक्तदान संस्थान ने प्रशस्ति पत्र व टी शर्ट देकर सम्मानित किया। संस्थान अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदाताओं के रक्तदान करने के उपरांत संस्थान द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाकर उनका जीवन बचाने का कार्य किया जाता है। इसके लिए हम समस्त रक्तदाताओं के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि रक्त संस्थान द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया है। आज के रक्तदाताओं में प्रमुख रूप से देवेंद्र शुक्ला, ज्ञानेंद्र शुक्ला, हरिकेश कुमार पांडे, आलोक शुक्ला, अंकित पांडे, प्रदीप यादव, संदीप कुमार सिंह, विक्रांत यादव, अर्षद अली, रवि कुमार, सिद्धांत सिंह रघुवर, शांतनु प्रताप सिंह, विनीत शर्मा, सुनील कुमार खरवार, उमाशंकर सिंह, आनंद प्रताप सिंह, सुमित गुप्ता, दसप्रीत सिंह, अंकिता केसरवानी आदि लोगों ने प्रमुखता से रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोशन लाल उम्रवेश्य, ओम सिंह, वरुण श्रीवास्तव, कुसुमलता गुप्ता, पवन नंदन भट्ट, डॉक्टर अब्दुल दुबे, साथ ही डॉक्टर पवन नवनीत, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर आशिक अली, रोहित कुमार वर्मा, जय किशन, अरविंद कुमार, कपिल कुमार, शिवन कुमार, मुरतलाल यादव, संदीप मिश्रा, विशाल शुक्ला आदि लोगों ने रक्तदान शिविर को सफल बनाने में विशेष सहयोग दिया। जेएनआई न्यूज लाइव से शहबाज खान की खास रिपोर्ट।